एवरीवन, ललिता भादवर किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चाप की सब्जी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, चाप बनाने के लिए मैंने हाफ केजी कलर्ड वाले चाप लिए हैं और मीडियम साइज के 3 से 4 मैंने प्याज लिया है और उसको इस तरह से रफली मैंने कट कर लिया है। 3 लिए हैं मैंने मीडियम साइज के टमाटर, उसे भी मैंने इस तरह से रफली कट कर लिया है। छोटा टुकड़ा लिया है मैंने अदरक का। 3 से 4 ली है मैंने हरी मिर्चें। थोड़े से लिए हैं मैंने काजू। थोड़ी सी कलियाँ ली है मैंने लहसुन की। मसालों में मैंने लिया है हल्दी, कसूरी मेथी, हरा धनिया, धनिया पाउडर, ज़ीरा, हींग, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, 4-5 ली है मैंने काली मिर्च, 2 लौंग, 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 सूखी लाल मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 1 तेज पत्ता। और ये लिया है मैंने 1 बड़ा चम्मच फ्रेश क्रीम, इनकी मलाई। तो ये देखिए, एक पैन में मैंने पानी गर्म कर लिया है और इसमें हम 5 से 7 मिनट के लिए इन चाप को बॉईल करेंगे। तो ये मैं स्टिक के साथ ही इसमें डाल देती हूँ। तो ये देखिए, इसको हम 7 मिनट के लिए इसी में पकने देते हैं। तो ये देखिए, अब ये अपने साइज से डबल हो चुके हैं। तो चलिए बस गैस में बंद कर देती हूँ और इसका जो पानी है उसे हम स्ट्रेन कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसका पानी स्ट्रेन कर दिया है और अब हम इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, अब ये ठंडा हो चुका है। तो अब हम सबसे पहले इसमें से ये स्टिक को हम इस तरह से निकाल लेंगे बाहर, ये देखिए। और इसको आप जिस भी साइज़ में कट करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। तो मैं एक चाप के 3 पीसेस में कट कर रही हूँ, ये देखिए। तो चलिए बाकी के चाप को भी इसी तरह से कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, सारे चाप को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। तो अब हमें इसको करना है मैरिनेट। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे हम गार्लिक पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और बेसन। तो बेसन को हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, जस्ट हल्का सा इसकी कोटिंग करनी है। तो स्प्रिंकल करते हुए ही हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है इसे, ये देखिए। और इस तरह से अब हमें इसे करना है मिक्स हल्के हल्के हाथों से। तो ये देखिए, एक कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम कर लिया है और अब हम इन मैरिनेटेड चाप को फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, फ्राई हो चुके हैं और अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने सारे चाप को फ्राई कर लिया है। तो ये देखिए, मैंने उसी कढ़ाई में से जितना एक्स्ट्रा ऑयल था उसे निकाल दिया है और थोड़ा सा ऑयल लिया है मैंने। इसमें डालेंगे अब हम हींग, एक तेज पत्ता और बाकी के जितने ये हमारे ड्राई मसाले थे इसे भी हम इसमें डाल देंगे और 2 मिनट कुछ सेकंड के लिए इसे हम रोस्ट करेंगे इसमें। इसी के साथ साथ इसमें जाएगा ज़ीरा, ये देखिए इसमें जाएगा अब लहसुन की कलियाँ और इसको हम इसी के साथ भून लेंगे। इसी के साथ जाएगा इसमें ये हरी मिर्ची, अदरक, इसी के साथ जाएगा इसमें प्याज और इसको हम भून लेंगे।
तो ये देखिए सारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं। तो इसको हम 2 मिनट के लिए ठंडा कर लेते हैं, इसके बाद इसको हम मिक्सी ग्राइंडर में ब्लेंड करेंगे। तो ये देखिए मिक्स करने से पहले इसमें से ये तेज पत्ता और ये मोटी इलायची हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए ये ठंडा हो चुका है और अब हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है। तो ये देखिए एक कढ़ाई ली है मैंने, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसमें हम मैंने एक लिया है कैप्सिकम, उसको इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है और इसको हम हल्का सा भून लेंगे। ये देखिए इसी के साथ साथ हम इसमें मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है और उसे इस तरह से कट करके मैंने इसे हम भून लेंगे हल्का सा। तो ये देखिए बस इसे हमें इतना ही पकाना है और इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो ये देखिए अब उसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा और मैंने ऑयल डाला है, इसमें डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, इसको हम भून लेंगे कुछ सेकंड के लिए और इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे अपना ये ग्राइंड किया हुआ मसाला। तो ये देखिए अब इसको हम भून लेंगे। ये देखिए इसी के साथ जाएगा इसमें धनिया पाउडर और नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा क्योंकि हमने जो चाप फ्राई किया है उसमें भी डाला है हमने। और इसको अब हम मीडियम टू लो फ्लेम पे भूनेंगे। तो ये देखिए मसाला हमारा भुन चुका है, इसकी साइड से इसने ऑयल रिलीज कर दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी, तो पानी डालेंगे हम गरम। तो ये देखिए इसमें अब आने देते हैं हम 1 से 2 बॉयल। तो इसको हम ढक देते हैं। इसी के साथ साथ इसमें डाल देंगे हम कसूरी मेथी और इसमें आने देते हैं बॉयल। तो ये देखिए इसमें बॉयल आ चुका है और अब हम डालेंगे इस टाइम ये अपने फ्राई किए हुए चाप और इसको कर देंगे मिक्स। इसी के साथ साथ हम इसमें डाल देंगे ये शिमला मिर्च भी और अब हम 2 से 3 मिनट के लिए इसे पकने देते हैं। तो इसे हम ढक देते हैं। तो ये देखिए इस टाइम डालेंगे हम इसमें थोड़ी सी क्रीम और इसको हरे धनिए से गार्निश कर देंगे। तो ये देखिए हमारी सब्जी बनके तैयार है। तो चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी चाप की सब्जी बनके तैयार है। आप इसे अपनी मनपसंद रोटी पूड़ी परांठा चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।